हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरनेट का स्पीड कितना होता है अपने जो तीन फेमस कंपनी सिम नेटवर्क प्रोवाइडर जो है एयरटेल, जियो और वोडाफोन, जो कि वीआई बन चुका है। वोडाफोन और आइडिया वीआई का सिम है मेरे पास, और मैं तीनों को मिला के दोस्तों मैं तीनों का इंटरनेट स्पीड टेस्ट करूंगा एक जगह पर, और एयरटेल का मैं दो जगह पर करूंगा, पास में जगह, लेकिन स्पीड का बहुत ही ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा थोड़े से ही दूरी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ मोबाइल पे, और ये मेरा जो मेरे मामा का मोबाइल है, दूसरा मोबाइल जो कि है वीवो V20 SE। देख सकते हैं इसमें जो जियो का सिम डाला हुआ है और एक आइडिया का है। तो जियो वाले में जो हम रिचार्ज है तो उसमें हम चेक करेंगे डाटा स्पीड। तो डाटा स्पीड चेक करने के लिए मैं स्पीड टेस्टर बाय ओकला का इस्तेमाल करूँगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ओनली दिस टाइम पर मैं अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा नहीं चेक करना। उसके बाद देख सकते हैं रिलायंस जियो वीवो V2020 का आपको लोगो दिख रहा होगा यहाँ पर, और मैं यहाँ से जो है इसको गो कर देता हूँ। आप कोई भी मोबाइल का चेक कर सकते हैं ऐसे ही। देख सकते हैं स्पीड कितना आ रहा है, 15 Mbps, आपको ठीक से क्लियर दिख नहीं रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड आ रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं जो इसका डाउनलोडिंग स्पीड है वो इतना है यहाँ पर, और इसका अपलोडिंग स्पीड देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो ये है अपलोडिंग स्पीड करीब करीब 6 MB के करीब। तो देख सकते हैं 33 MB का है वो डाउनलोडिंग स्पीड, और अपलोडिंग स्पीड बहुत ही कम दिखाया था। हम फाइनल में देखेंगे कितना स्पीड जो है इसका दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसका जो एवरेज जो है वो 33 MB जो है वो डाउनलोडिंग है, और 6.7 MB जो है अपलोडिंग है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने दूसरे मोबाइल की ओर, जो है वीवो का Y81, और उसमें जो है आइडिया का सिम कार्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दूसरे मोबाइल में आ गया हूँ, वीवो का V81 है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें आइडिया का सिम डाला हुआ है। देख सकते हैं आइडिया का सिम, और आइडिया 4G सिम है। और मैं यहाँ से चालू कर लेता हूँ एप्लीकेशन जो कि है स्पीड टेस्टर बाय ओकला का, सेम एप्लीकेशन है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पहली बार ओपन करने में कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है, वेलकम टू स्पीच टेस्ट देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है यहाँ पर, उसके बाद अलाउ कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो आज GPS का भी आएगा, आप वो भी अलाउ कर सकते हैं, मैं भी अलाउ कर देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद देख सकते हैं डन कर देना है प्राइवेसी नोटिस के यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आइडिया वीवो Y81, आप मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से मैं यहाँ से गो कर देता हूँ। देख सकते हैं पुणे का जो है सर्वर है, और जो वीवो का मोबाइल दिखाया दूसरा उसमें भी वीवो का पुणे का ही सर्वर है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खास इंटरनेट की स्पीड जो है इसमें नहीं मिलेगा आपको आइडिया में। देख सकते हैं मैंने इसको ब्राइटनेस थोड़ा और बढ़ा दिया है, और 9.23 MB का जो स्पीड है डाउनलोडिंग स्पीड, और अपलोडिंग स्पीड देखते हैं 4 MB 4.5 MB करीब बता रहा है, लेकिन हम वो लास्ट में देखेंगे। देख सकते हैं 4.66 MB जो है वो इसका अपलोडिंग स्पीड है, मतलब स्पीड इसमें ठीक ठाक मिलेगा अगर आप ऐसे खुले इलाके में रहेंगे तो। और तो चलिए लास्ट मोबाइल चलते हैं, जो कि मेरा मोबाइल से अभी मैं शूट कर रहा हूँ, वो है Realme 8 Pro की, और एयरटेल का सिम कार्ड है। मैं तीनों में अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मैं आपको सिर्फ चेक करके बता रहा हूँ कि किसमें कितना नॉर्मली स्पीड मिलता है। और आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर दिख रहा होगा, उस पर आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि स्पीडोमीटर ठीक से बताता नहीं है। देख सकते हैं 0.0 दिखा रहा है, लेकिन MB का कुछ और ही मिलता है। देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के दूसरे मोबाइल पर। आप देख सकते हैं टाइम बदल गया है, मैं थोड़ी देर लग गया था इधर उधर, और देख सकते हैं मैंने इंटरनेट चालू कर दिया। मेरा मोबाइल जो है एयरटेल का है, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर स्पीड टेस्ट बाय ओकला में जाके। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैंने इसको ऑन कर दिया ओपन करने के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल RMX 1381, देख सकते हैं यहाँ पर है। उसके बाद देख सकते हैं पुणे, देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ दिख सकता है, MBPS MBS KBS आप सब में देख सकते हैं, सिंगल मल्टी आप यहाँ से ऑप्शन में जा सकते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे स्पीड टेस्ट। यहाँ पर हम गो कर देते हैं सीधा। देख सकते हैं सर्वर जो आपको हमेशा पुणे ही मिलेगा, और एयरटेल जो है यहाँ का नेटवर्क देख सकते हैं, एयरटेल का जो नेटवर्क है काफ़ी तगड़ा है जियो के मुकाबले। आपको यहाँ पर स्पीड थोड़ा बहुत कम लग सकता है,
लेकिन मैं यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऐड मिल सकता है इस एप्लीकेशन में, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। देख सकते हैं 14.6 Mbps का जो है वो डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग स्पीड देख सकते हैं 5 MB करीब दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं फाइनल जो है वो 5.30 अपलोडिंग स्पीड है। दोस्तों यहाँ पर हर जगह पर जो मेरा इंटरनेट स्पीड है अलग अलग आ रहा है। मैं आपको दूसरे जगह पर लोकेशन बदल के मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लोकेशन फिर से बदल दिया है, फिर से गो करते हैं। एयरटेल का वही मोबाइल है, वही सर्वर जो मेरा पुराना वाला मोबाइल था, और इसमें जो MB के स्पीड देख सकते हैं थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पर हर जगह पर जो इंटरनेट की स्पीड है वो बदल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर 2 MB का स्पीड बता रहा है लेकिन नीचे कुछ अलग ही बता रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 840 KB का, और यहाँ पर 17 MB देख सकते हैं 17.1 MB, और जो अपलोडिंग स्पीड है वो यहाँ पर बदल गया है मोबाइल का 0.5152 के करीब चल रहा है। हर जगह पर जिसका अपलोडिंग और डाउनलोड स्पीड है वो अलग अलग है। देख सकते हैं कितना फर्क पड़ गया है वहाँ के मुकाबले। यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ गया है लेकिन जो अपलोडिंग स्पीड है पूरा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं, 1 MB का भी जो है वो अपलोडिंग स्पीड नहीं दे रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में जाकर मुझे कोई भी सजेशन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही।